नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाँ जी, आपके क्षेत्र आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। जमीन विवाद में गला रेत का युवक की हत्या, झाड़ी से शव बरामद, अपराधी फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सरकार को बताया फेल, कहा अपराधी घटना बिहार में बढ़ी, सरकार को रहने का अधिकार नहीं। मान सम्मान व अधिकार जिला सम्मेलन का बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने किया उद्घाटन। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के आयोजन में पहुंचे योजना परिषद के सदस्य संजय झा। फरवरी में मिथिला विश्वविद्यालय आयोजन करने जा रहा दीक्षांत समारोह, सिंडिकेट में कुलपति ने लिया निर्णय। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग की तैयारी अंतिम चरण में, हेलीपैड बनकर तैयार। पुलिस एवं विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। और दिल्ली से पहुंचे प्रशिक्षु आईएएस की टीम, 4 दिवसीय प्रशिक्षण में गांव के जीवन यापन एवं परिवेश का करेंगे अध्ययन। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर। उड़ी बाबा, देखो तो कितना सुंदर दिखता है। अरे क्या दीदी जी, बाहर से देखिएगा कि अंदर वो बैठिएगा। करेक्ट, ट्रू फीलिंग तो भीतर से ही आता है। यहाँ तो गर्दन सीधी रहती है, ऊपर भी कितना जगह है। अरे टू मच है। और ये देखिए सीट वो कितना कंफर्टेबल है। उड़ी बाबा, ये गाड़ी तो बहुत तेज चल रहा है ना? क्योंकि लोगों के लिए पावर की बहुत जरूरत है। ताई तो बोली पावर टू पीपल। अरे अरे बाबा, रास्ता देख के भाई, यहाँ तो मेरा बैलगाड़ी नहीं चलेगा। चमत्कार, ये तो बहुत ही स्मूथ है, कुछ फील नहीं हो रहा है। चलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं बाबा, की बोलचू दीदी? हैं हैं। छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। चंदा मामा विद यू सिंस बर्थ, वेयर फैशन इज पूजा, आवर ब्रांड्स मिताशी, स्टोन एंजल, पीजन, मदर केयर, न्यू वे, रिपीट, चार्ल्स आइस फेयर, बेबीज, गस्टो, जलाराम, जिनी एंड जॉनी, हिमालय, जॉनसन एंड जॉनसन, फर्स्ट स्टेप, सकमापुर, मिर्जापुर, मेन रोड, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7739674731, 7654421122। और खबरें अब विस्तार से। जमीनी विवाद को लेकर चाकू से गला रेत कर युवक की हत्या की गई। सुंदरपुर जलाम कॉलेज के पास झाड़ी से शव बरामद किया गया। मृतक की हत्या बाद अपराधी फरार है। घटना को लेकर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस छापेमारी कर रही है। जमीन विवाद को लेकर चाकू से गला रेत कर युवक की हत्या की गई। सुंदरपुर जलाम कॉलेज के पास झाड़ी से शव बरामद किया गया। मृतक की हत्या बाद अपराधी फरार हैं। घटना को लेकर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही। बताते चलें कि रंजीत पासवान एवं रमन पासवान के बीच जमीन के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इधर दीपावली के लिए रंग रोगन में लगे रंजीत पासवान सहित चारों भाई ने मौका देखकर
रमन पासवान की रविवार की शाम 8 बजे हत्या कर दी। 1.5 घंटे तक जख्मी हालत में चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुनी उसकी आवाज। खोजबीन के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब तक पुलिस पहुंचती, मृतक रमन को सभी अस्पताल ले जा चुके थे। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। रंजीत पासवान के साथ उसके सभी भाई मंजीत, अंजीत, संजीत पासवान फरार है। इधर मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, मामला तो इनका जो है जमीनी विवाद से ही जुड़ा हुआ है, जो मेरे ख्याल 20-25 साल से है करीब। और बीच में जो है 3-4 महीने पहले जो है रास्ता के संबंध में हो रहा था ऐसा कि इनको इमरजेंसी में जो है पप्पू वकील के घर से होते हुए इनको जो अपने घर की उधर आना पड़ता था। पानी में भी मैं पानी भी आया था तो मैं देखा था, इनको बहुत परेशानी था। मैं बिलास का गेट खुलवा नहीं सकता था, कहे तो सरकारी संस्थान है तो ये लोग ऐसे ही करके आते थे हर रास्ता के लिए। बीच में 4 महीने पहले सीईओ साहब जो थे राकेश कुमार गुप्ता, वो रास्ता क्लियर करवाए थे बाईफोर्स थाना अध्यक्ष के समक्ष। उसके बाद फिर कुछ महीने बाद देखे कि धीरे धीरे करते करते उसे बाउंड्री खड़ा कर लिया राती का। हाँ, उसके बाद अंधोनी क्या हुआ, धीरे धीरे मार झपेट तो हमेशा बराबर रेगुलर होता ही रहता था। फिर देखिए आज जो है अचानक सुबह में हमको 6 बजे जो न्यूज मिला कि ऐसे ऐसे आपके वार्ड में बिला स्कूल पास से घटना घटी है। तो चलता ही था, लेकिन रात में छिप करके से उन्होंने छुरा लेकर के उसको छिप करके मारा गया। जब अकेला पड़ा था रमन कुमार को। कौन है रमन कुमार? रमन कुमार मेरा बचवा है। आपका बचवा है? जी। कितना उम्र होगा उसका? 32 होगा। कौन मारा होगा, किस पर सर? राजकुमार पासवान, रंजीत, मंजीत, संजीत सब था। लगल देख नहीं जाता था, एक आदमी पीछे पीछे लग जाता। कहाँ कहाँ ये सब रहने? आगे कहा, बगल में, हमारे कंपाउंड में बगल में है, रास्ता ब्लॉक के लिए था। ईटा बरसात हो रे बाबू के पीठी पर अठार बेलिए बाबू हम भर खेलियल 5 बजे गाय दुहलक बाबू हम। सुंदरपुर जलान कॉलेज के पास आए हुए हैं। रात करीब घटना 8 बजे के करीब में हुआ ये लोग बताए हैं, लेकिन आदमी के अभाव में अगर आदमी जुट जाता तो आदमी बच सकता था। ऐसी कोई घटना नहीं थी कि नहीं बचता, लेकिन बेचारा चिल्लाते रह गया, कोई सपोर्ट नहीं किया। टाइम 1.5 घंटा बीत गया। 1.5 घंटा के बाद किसी प्रकार उठा पटा के रोड पर ले गया, उसके बाद ले गया ये लोग। कमी क्या हुआ कि फ़ोन भी किया 10 बजे के बाद तो फोर्स चारों तरफ खोज रहा है, मिलिए नहीं रहा है। जब मिला तब तक ये लोग उठा पटा करके हॉस्पिटल ले गया हुआ था। उसके बाद से प्रशासन छानबीन छापामारी अपने स्तर से जो भी प्रक्रिया है हम लोग थाने के स्तर से कर रहे हैं। क्या क्या हुआ, घटना क्या हुआ? घटना का कारण है केवल जमीनी विवाद के रास्ता का विवाद है। प्रशासन द्वारा 2 महीना पहले बी डी ओ साहब के सीईओ साहब आकर के सीईओ साहब रास्ता क्लियर करवा दिए थे, समझे नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग ताज जबरदस्ती रास्ता बंद कर दिया। बस केवल रास्ता का ही मैटर है। और घटना क्या घटी है, किसकी है, किसका हत्या हुआ, क्या कौन लोग? हत्या हुई है वो तो नाम तो रमन कुमार, रमन पासवान है, रमन पासवान है, रमन पासवान की हत्या हुई है। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। राज्य में अपहरण, हत्या, लूट, डकैती और आए दिन बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही और सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में फेल है, इसलिए सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा पत्रकारों से पार्टी कार्यालय में। राज्य में अपहरण, हत्या, लूट, डकैती एवं आए दिन बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही है और सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के मामले में फेल है, इसलिए सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा पत्रकारों से पार्टी कार्यालय में। दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मामला बहुत ही समझिए अफसोसनाक है कि इतने कल
कहीं और नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी का की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कही जाती है नालंदा, उसके अंदर कोई मामूली आदमी नहीं कि जो जमीन का धंधा करता हो या शराब का धंधा करता हो या किसी और क्राइम में रहा हो। एक प्रोफेसर की हत्या हुई है, कल पता चला आपको, मॉर्निंग वॉक में निकले उसको गोली मार दी। तो यहाँ पर पूरे बिहार के अंदर क्राइम तो चरम सीमा पर है, डकैती, चोरी, रेप, लड़कियों के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार, दलित के साथ अत्याचार, अति पिछड़ा के साथ अत्याचार, चारों तरफ हो रहा है। और समाज में सब कुछ ठीक नहीं है, दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो ये सरकार फेल हो गई है, गवर्नमेंट का फेल्योर है ये, जो इस ज़माने में नीतीश कुमार जी कहलाते थे के ये लॉ एंड ऑर्डर को एकदम ठीक रखते हैं, क्या नाम दिया जाता था इनको, सुशासन बाबू का। आज सुशासन नाम की चीज ही नहीं है बिहार के अंदर, एकदम नहीं है, आप यकीन मानिए। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, और जितना जल्द हो इस पर लगाम लगना चाहिए पूरे बिहार के अंदर। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा का एक दिवसीय मान सम्मान व अधिकार जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया सोमवार को जिला परिषद कार्यालय प्रांगण में। सेमिनार का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने। इस मौके पर योजना परिषद के सदस्य संजय झा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पंचायत वार्ड सदस्य संघ दरभंगा की एक दिवसीय मान सम्मान व अधिकार जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिला परिषद कार्यालय प्रांगण में। सेमिनार का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने। इस मौके पर योजना परिषद के सदस्य संजय झा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे वार्ड सदस्य देवरानी जी, हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी जी का आ रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव मणि जी माला पहना कर, साल ओढ़ा कर और पाग पहना कर जोरदार स्वागत कर रहे हैं आप सभी लोग, ताली बजा कर स्वागत। लोग अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित पूर्वक इनके सारी समस्याओं का निदान होगा। सरकार का जो ये महत्वपूर्ण योजना है शुद्ध पेयजल प्रत्येक घर तक पहुंचाने का, वह योजना कैसे रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, आज इन लोगों की समस्या सुनने के बाद इनसे हम आवेदन लेंगे और जिला में आके इसका हम समीक्षा करेंगे। इसमें कौन दोषी व्यक्ति हैं, क्यों नहीं वार्ड क्रियान्वयन के खाते में राशि जा रहा है, और जो दोषी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित पूर्वक जो वार्ड क्रियान्वयन के अधिकार का चीज है वह वार्ड क्रियान्वयन के हाथ में जाएगा। सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी का उद्देश्य क्या था जल नल लालों कि जो पानी वो पीते हैं पटना में, जो पानी कोई मंत्री और मुख्यमंत्री पीता है, वही पानी जो शहर में लोग टैप का पानी पीते थे टंकी में, वही पानी गांव के लोगों को मिले। उद्देश्य तो बिल्कुल अच्छा है कि भाई आधा बीमारी खराब पानी पीने से होता है। दरभंगा जिला में कितने गांव में हम लोग देखते हैं कि उस पानी के वजह से कितनी समस्या हुई है, कितनी तरह का बीमारी हुआ है। ये उद्देश्य बिल्कुल सही है, और जब नया कोई स्कीम लाता है तो उसमें इनिशियल प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है उसको इम्प्लीमेंट करने, इनिशियल कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए मंत्री जी आज आए हुए हैं, आगे निश्चित रूप से जमीन पर ये सही ढंग से उतरेगा, इसका प्रयास होगा। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। आवासीय कार्यालय में 1368,53,99,700 से ऊपर का बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित किया गया। फरवरी में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, इसका भी निर्णय लिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 1368,53,99,763 रुपये के बजट को अनुमोदित किया गया, जिसमें वेतन मद में 179,57,89,109 और पेंशन मद में 191,24,48,657 रुपये का प्रावधान किया गया। विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित विभिन्न कॉलेजों के संबंधन से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय हुआ कि निरीक्षण प्रतिवेदन में जिन महाविद्यालयों को सशर्त संबंधन देने का प्रस्ताव पास किया गया है, उन्हें शर्तों को पूरा करने के उपरांत अभिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा। छात्र संघ चुनाव 2018-19 दिसंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। यूनिसेफ से हुए समझौते, पांडुलिपि संरक्षण केंद्र स्थापित, स्वपोषी संस्थानों के पाठ्यक्रम की समीक्षा परीक्षा हेतु अलग परीक्षा सेल बनाए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बैठक में फरवरी 2019 में दीक्षांत समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं अर्थशास्त्र विषयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया। स्कूल गुरु के संबंध में निर्णय लिया गया कि समझौते की प्रक्रिया एवं उनके बिंदुओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु 3 सदस्य समिति का गठन किया गया, जिनमें संजय सरावगी, लक्ष्मेश्वर राय और मोहम्मद फयाज अहमद होंगे। इस अवसर पर दूरभाष निर्देशिका का भी लोकार्पण किया गया। बैठक में प्रतिकुलपति अमानुल हक, कुल सचिव संजय सरावगी, लक्ष्मेश्वर राय, फयाज अहमद, विनोद कुमार चौधरी, वैद्यनाथ चौधरी, इसमत जहां, अजीत कुमार चौधरी, प्रेम कुमार, श्याम चंद्र गुप्ता, महेंद्र प्रसाद सिंह, अमर कुमार, भोला चौरसिया उपस्थित थे। जो एग्रीमेंट दिया उसी को हम पास किया, बिल्कुल पालो इसमें ऐसा से नहीं, वो देते हैं ड्राफ्ट देते हैं जब भी एमओयू साइन होता है, या तो हम ड्राफ्ट देंगे या दूसरे सर ठीक है सर, इसमें सर सही होती सीधा बात है सर, इसमें प्रोसीडिंग में सर, इसके संदर्भ में सर हमने एजेंडा का वर्क किया था, एजेंडा में नहीं आया सर, हमको लगता है कि इसमें वित्तीय अनियमितता हुई है, इसलिए सर मेरा इसमें आपत्ति जो है सर प्रोसीडिंग में मेरा इसमें दर्ज करा दिया जाए सर, क्योंकि मेरा एजेंडा क्या है, मेरा आपत्ति इसमें जो है सर दर्ज करा दिया जाए, आप निर्देश दे दीजिए सर, निर्देश दे दीजिए कि मेरा आपत्ति इसमें दर्ज करा तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन दिन रात एक कर जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में समारोह का आयोजन होना है। वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक राज्यपाल के आगमन हेतु राज मैदान में निर्मित हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे और देर शाम विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक अमला पहुँचा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग प्रतियोगिता की तैयारी में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा हुआ है। तैयारी अंतिम चरण में है, हेलीपैड बनकर तैयार है। महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल लालजी टंडन समारोह का उद्घाटन करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार तथा युवा कल्याण विभाग भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव सैमसन डेविड विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक स्थल का निरीक्षण करने पहुंची, उनके साथ एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, डीएसपी अनोज कुमार भी थे। आप एक ड्राफ्ट दे दीजिए।
माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का जो है प्रोग्राम है यहाँ पर, तो उसके लिए ही हम पूरा जो हेलीपैड है और कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी उसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। वहीं देर शाम कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम परिसर, जहां मुख्य समारोह का आयोजन होना है, उसका निरीक्षण किए। स्टेज, पंडाल, चौरंगी आदि स्थानों पर किए गए मिथिला पेंटिंग से सजावट, लाइट के व्यवस्था को देखा तथा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। उनके साथ प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय, कुलानुशासक डॉक्टर अजीत चौधरी, क्रीड़ा पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाझा, कार्यपालक अभियंता इंजीनियर सोहन चौधरी ने कुलपति को सभी तैयारियों की जानकारी दी। कुलपति की अध्यक्षता में तरंग की तैयारी की समीक्षा हेतु दिन के 11:30 बजे कुलपति के कार्यालय कक्ष में एक बैठक भी हुई। बैठक में महामहिम कुलाधिपति के हेलीपैड पर आगमन से लेकर प्रस्थान तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर चर्चा हुई और उसके आलोक में विश्वविद्यालय का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार किया गया। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल के साथ सभी अधिकारी मौजूद थे। तरंग कार्यक्रम के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताते चलें कि महामहिम कुलाधिपति का आगमन 31 अक्टूबर को 11:10 पर होना है। महामहिम कुलाधिपति का मंच पर आगमन 11:20 पे राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 11:21 पे प्रतिभागी विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत करेंगी। 11:22 से लेकर के 11:37 तक महोत्सव का महामहिम कुलाधिपति के द्वारा विधिवत उद्घाटन झंडोत्तोलन और दीप प्रज्वलन के साथ किया जाएगा। 11:38 पर माननीय कुलपति के द्वारा स्वागत भाषण 11:41 से 11:48 तक महामहिम कुलाधिपति का अभिनंदन होगा। 11:49 से 11:54 में विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन 11:54 से लेकर 12:00 विशिष्ट अतिथि का अभिभाषण 12:01 से लेकर 12:07 तक होगा। विशिष्ट अतिथि का अभिभाषण 12:08 से लेकर 12:14 तक होगा। महामहिम कुलाधिपति का उद्बोधन एवं कार्यक्रम के शुभारंभ की महामहिम कुलाधिपति द्वारा विधिवत घोषणा 12:15 से लेकर 12:25 तक होगा। संगठन सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन 12:26 तक लेकर 12:28 तक होगा और राष्ट्रगान 12:29 तक, प्रस्थान 12:30 पर कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और उसके साथ ही कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। दिल्ली से प्रशिक्षु IAS की टीम दरभंगा पहुंची। प्रशिक्षु IAS विवेक रंजन कुमार की अगुवाई में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार सिन्हा ने सबों का दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अभिनंदन किया। 4 दिनों के प्रशिक्षण में सभी दरभंगा पहुंचे हैं। दिल्ली से प्रशिक्षु IAS की टीम दरभंगा पहुंची। प्रशिक्षु IAS विवेक रंजन कुमार की अगुवाई में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार सिन्हा ने शवों का दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मिथिला परंपरा के अनुसार अभिनंदन किया। 4 दिनों के प्रशिक्षण में सभी दरभंगा पहुंचे हैं। जीवन यापन एवं परिवेश को समझने गांवों की ओर रुख करेंगे ये सभी प्रशिक्षु IAS। इनका पहला कैंप होगा बेनीपुर, और बेसिकली हमारा पर्पस है कि गांव की जो लाइफस्टाइल होती है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको समझना है और उनसे कुछ सीखना है। तो मिथिला की धरती पर आप उतरे, किस तरह का स्वागत हुआ है? स्वागत बहुत ही अच्छा किया है, बहुत देर हो गई थी हमें ट्रेन में, बट फाइनली हम पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागत बहुत ही वाह। मैडम कितने दिन तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये हमारा है 4 दिन का, 4 दिन तक हम गाँव में। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। चहलम त्योहार को आपसी सौहार्द के वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
चेहल्लूम के त्योहार को आपसी प्रेम एवं सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सदा अनुमंडल में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में SDO राकेश गुप्ता एवं SDPO अनुज कुमार, विरौल अनुमंडल के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में SDPO ब्रज किशोर लाल एवं SDPO दिलीप कुमार झा तथा बेनीपुर अनुमंडल के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में SDPO प्रदीप कुमार झा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश्वर चौधरी एवं चंदनपट्टी के विधि व्यवस्था के प्रभार में जिला भू अर्जन पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण पांडे एवं पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार रहेंगे। जिला में चिन्हित 165 स्थलों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल को भी एक्टिव रहने को कहा है। उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो, सदा अनुमंडल वरीय उप समाहर्ता अनिल कुमार, बेनीपुर अनुमंडल तथा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम अभिनय भास्कर, विरौल अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सजग रहकर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। सत्येंद्र कुमार, BTA न्यूज। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत निर्मित शौचालय का आवेदन संग्रह करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने दिया। प्रखंड स्वच्छता समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के साथ समीक्षा बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत निर्मित शौचालय का आवेदन संग्रह करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो ने दिया। प्रखंड स्वच्छता समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के साथ समीक्षा बैठक में है कि पहले MIS पर एंट्री होगा, एंट्री होने के बाद जियो टैग होगा, जियो टैग का फिर अप्रूवल होगा और फिर उसका भुगतान होगा। अभी थोड़ी सी क्या हो रहा है, कुछ लोग पुराने शौचालय को जो 10 साल पहले बना है उसका भी कुछ जियो टैग करा लिए, कुछ अधूरा टाइप का भी जियो टैग हो गया, तो अभी उसका फिर से एक बार जांच चल रही है और जांच करके भी उसका भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों ने भी बना लिया उसका भुगतान निश्चित होगा। थोड़ा सा समय इस प्रक्रिया में थोड़ा सा लग रहा है और आप लोगों को भी कहीं लगे बाय नेम, जैसे अभी आपको बता रहे हैं लोग कहते हैं कि शौचालय में नहीं भुगतान नहीं हो रहा, लेकिन कोई सूची नहीं दे रहे हैं कि ये फलाने 5 आदमी का नहीं हो रहा है, फलाने वार्ड में 10 आदमी का नहीं हो रहा, ताकि हम लोग तुरंत उसकी MIS एंट्री से जांच करा के हम लोग तुरंत देख लें और भुगतान कराएं। सत्येंद्र कुमार, BTA न्यूज। BTA न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का है। यूरो स्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड अलरपट्टी, मोबाइल 0627224025705050408930893010101, व्हाट्सएप नंबर 9262948578। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, इससे पूर्व सुर्खियों पर एक नजर। जमीन विवाद में गला रेत का युवक की हत्या, झाड़ी से शव बरामद, अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सरकार को बताया फेल, कहा अपराधी घटना बिहार में बढ़ी, सरकार को रहने का अधिकार नहीं। मान सम्मान व अधिकार जिला सम्मेलन का बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने किया उद्घाटन। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के आयोजन में पहुंचे योजना परिषद के सदस्य संजय झा।
फरवरी में मिथिला विश्वविद्यालय आयोजन करने जा रहा दीक्षांत समारोह सिंडिकेट में कुलपति ने लिया निर्णय। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग की तैयारी अंतिम चरण में, हेलीपैड बंका तैयार, पुलिस एवं विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। और दिल्ली से पहुंचे प्रशिक्षु आईएएस की टीम, 4 दिवसीय प्रशिक्षण में गांव के जीवन यापन एवं परिवेश का करेंगे अध्ययन। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद की ओर से प्लास्टिक मुक्त जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त डॉक्टर हरि प्रसाद महतो, महापौर वैजयंती देवी खेरिया एवं नगर आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद की ओर से प्लास्टिक मुक्त जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त डॉक्टर हरि प्रसाद महतो, महापौर वैजयंती देवी खेरिया एवं नगर आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हम सबका है एक ही नारा, हम सबका है एक ही नारा, सामाजिक न्याय परिषद की ओर से साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसका पहला दिन है आज। और ये इसमें हम लोग रैली निकाल रहे हैं प्लास्टिक बंद को लेकर, क्योंकि प्लास्टिक आज के युग में प्लास्टिक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है लोगों और उनके जान के लिए। इसलिए हम लोग का लोगों को उसके जागरूक करना है उसके खिलाफ कि प्लास्टिक का उपयोग बंद किया जाए। आज प्लास्टिक जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई है, जिसको हरी झंडी दिखाकर DDC नगर आयुक्त और हमारी मेयर साहिबा ने विदा किया है। हम लोग नगर निगम कार्यालय से आगे टावर चौक तक जाएंगे और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर में जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वह पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि यह एक जानलेवा वस्तु है और इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए आज जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। सोमवार की शाम ताड़ी के दुकान पर पुलिस की छापेमारी बाद ताड़ी विक्रेता ने पुलिस का जमकर किया विरोध। सड़क पर हंगामा पर उतर आए और विरोध में टायर भी जलाया। पुलिस पर लाठी चार्ज का आरोप लगाकर किया सड़क जाम। दरभंगा लहरिया सराय मुख्य सड़क लाइट हाउस सिनेमा हॉल के पास जाम किया गया। लहरिया साय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ले का है मामला। शाम में ताड़ी की दुकान में जब छापेमारी की गई, पुलिस दलबल के साथ पहुंची। उसके बाद ताड़ी के दुकानदार ने पुलिस प्रशासन का जमकर विरोध किया और उसके समर्थन में इलाके के मोहल्लेवासी उतर गए, टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। है कि अभी से करीब आधा पौन घंटा पहले जो है ना, समय बताएं भाई, आधा पौन घंटा पहले 7:30 बजे के जो है ना, पुलिस प्रशासन की बहुत से ज्यादा सादा फोर्स यानी कि जैसे सेफ पहले थे वो डायरेक्ट आए और सारी दुकान जितने भी दुकान था उसमें तोड़फोड़ की है। ठीक है, उसमें जो भी कस्टमर था उसको पीटे, यहाँ तक कि घरों में भी घुस गया, घर में घुस करके महिलाओं को और बच्चे को भी पीटे। ठीक है, जो भी सामान था जैसे कुर्सी था टेबल था ये सभी को तोड़ता दिया। ठीक है, हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग महादलित परिवार से आते हैं, हम लोग का मुख्य पेशा ताड़ी बेचना है। ठीक है, नीतीश गवर्नमेंट ने नीरा की प्रबंध किया था लेकिन वो अभी तक लंच हुआ है नहीं, तो जिला प्रशासन ये डिसाइड करे कि हम लोग अगर दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं तो हम अपने बच्चे का परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। आए दिन हमेशा प्रशासन एक दो दिन के बीच के बाद आते हैं और पूरा अत्याचार करते हैं, जैसे कि गुलामी से में हम लोग जी रहे हो, हम लोग कोई आदमी ही नहीं हो,
जो भी जितना भी अत्याचार होता है सब हम ही लोग के महादलित पे होता है। तो हम लोग जिला प्रशासन से डिमांड करते हैं कि हम लोग के साथ अन्याय किया जाए, न्याय किया जाए। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। 3 नवंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। तैयारियों के बाबर राजद प्रखंड अध्यक्षों की एक बैठक हुई पंडासराय स्थित कार्यालय में। 3 नवंबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। तैयारियों के बाबत राजद प्रखंड अध्यक्षों की एक बैठक हुई पंडासराय स्थित कार्यालय में। हो रहा है हर जगह नेता तेजस्वी यादव जोरदार ढंग से आरक्षण की लड़ाई को SC ST एक्ट पर हर जगह बोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो आरक्षण और SC ST एक्ट का जब तक राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जैसे नेता रहेंगे तब तक इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए साथियों जरूरत है सभी साथियों को एकजुट होने का। बैठक में हम लोग हजारों की तादाद में प्रत्येक 18 प्रखंड से सारे प्रखंड अध्यक्ष के मतलब सहयोग से यह बैठक मतलब बुलाया गया है, और इसमें जो है सो हजारों की तादाद में हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचेंगे। मेमोरियल हॉल में सम्मेलन के लिए ही से यहाँ पर बैठक बुलाई गई है कि सभी पूरे दरभंगा के सभी प्रखंड के 18 प्रखंड के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो अपने अपने प्रखंड से हजारों की संख्या में वहाँ पर उपस्थित होंगे और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और इस अति पिछड़ा सम्मेलन को सफल बनाएंगे। असल मकसद तो ये है कि अति पिछड़े के जो भी डिमांड्स हैं उसको हम लोग समझना चाहते हैं, क्या क्या इस कम्युनिटी में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि इसको हम लोग अपने तेजस्वी यादव जी को अवगत करा सकें, ताकि अपने आने वाले जो 2019 और 20 का चुनाव है उसमें उन चीज़ों को हम लोग रखने का काम कर सकें। और चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, असल सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन है। 3 नवंबर को सम्मेलन है, उसी का समीक्षात्मक बैठक किस तरह से जिला में अधिक से अधिक संख्या में लोग जाए पटना, उसी का बैठक आज हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग बैठ करके कर रहे हैं। तो भारी से भारी संख्या में हम लोग दरभंगा से 3 नवंबर को पटना प्रस्थान। सुरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक LDM अजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई अलीनगर प्रखंड कार्यालय में। ऋण वितरण और ऋण वसूली की हुई समीक्षा। प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक LDM अजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई अलीनगर प्रखंड कार्यालय में। उन्होंने शाखा प्रबंधकों से ऋण वितरण और ऋण वसूली की समीक्षा की। करने के बाद कड़े तेवर में कहा कि बैंक शाखा केवल जमा और निकासी के लिए नहीं होता, इस काम को तो ATM एवं CSP के माध्यम से भी निपटाया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा ऋण वितरण का कार्य ही बैंक के लिए रीढ़ की तरह है, और यह कार्य नागरिकों की स्थिति को बेहतर बनाकर क्षेत्र का विकास कर सकता है। जिस बैंक शाखा से यह कार्य नहीं हो सकता वह ऐसी बैठकों में शाखा को बंद कराने का प्रस्ताव दें, नहीं तो अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग रोजगार के लिए अन्य राज्य में जाते हैं और वहां से पीट कर लौटते हैं, यहां के पैसों से दूसरे प्रांत विकास कर ले, इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए कृषि ऋण, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि का ऋण बढ़ चढ़ कर वितरण करें। अन्य रोजगारों के लिए भी ऋण वितरण का गुर उन्होंने समझाया तथा हर महीने की 15 अथवा 16 तारीख को शिविर लगाकर ऋण वितरण करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सहयोग लें। इस बीच विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रतिनिधियों ने शिकायत किया है कि ग्राहक बैंक से 1 रुपये का सिक्का नहीं लेते हैं। वे बताते हैं कि बाजार में व्यवसायी उनसे नहीं लेते, तो उन्होंने कहा 1 रुपये के सभी सिक्के प्रचलित नहीं हैं। नहीं लेने वाले कारोबारियों की सूची प्राप्त करें, उन पर RBI के प्रावधानुसार होगी
कार्रवाई। बैठक में काउंसलर FLCC राजेंद्र पोदार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहम्मद हारून रशीद, JSS सुनील कुमार, जीविका के BPM प्रमोद गांधी, इंडियन बैंक गरौल के शाखा प्रबंधक प्रकाश कुमार, UBGB अलीनगर के मनीष कुमार, तुमौल के अनूप कुमार जायसवाल, PNV के प्रमोद कुमार सिंह एवं केशव कुमार तथा SBI अलीनगर के प्रबंधक मनीष कुमार मौजूद थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस रिपोर्ट सुर्खियों पर एक नजर। जमीन विवाद में गला रेत का युवक की हत्या, झाड़ी से शव बरामद, अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सरकार को बताया फेल, कहा अपराधी घटना बिहार में बढ़ी, सरकार को रहने का अधिकार नहीं। मान सम्मान व अधिकार जिला सम्मेलन का बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने किया उद्घाटन। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के आयोजन में पहुंचे योजना परिषद के सदस्य संजय झा। फरवरी में मिथिला विश्वविद्यालय आयोजन करने जा रहा दीक्षांत समारोह, सिंडिकेट में कुलपति ने लिया निर्णय। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग की तैयारी अंतिम चरण में, हेलीपैड बंका तैयार, पुलिस एवं विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। और दिल्ली से पहुंचे प्रशिक्षु IAS की टीम, 4 दिवसीय प्रशिक्षण में गांव के जीवन यापन एवं परिवेश का करेंगे अध्ययन। ये थी अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।